बजाज की गाड़ी लेना था तो यहाँ पे आप जेम्स बजाज में आ सकते हैं और इन दोनों में से कोई भी बाइक को चूज़ कर सकते हैं। वेलकम टू चैनल, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है सौरभ दुबे और यहाँ पे आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो बाइकों को, जो कि है पहला हमारा प्लैटिना 100cc और दूसरा है प्लैटिना 110cc। दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है पूरे वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे, एंड क्या प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। तो गाइज यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्लैटिना 100cc जो बाइक है और 110 जो आया है एच गियर के साथ, उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊँगा, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एंड क्या क्या फीचर्स थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों बाइकों में। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं हम प्लैटिना 100 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैंक की डिज़ाइन कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये है BS6 मॉडल और यहाँ पर अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको 100 कम्फर्टेक लिखा हुआ मिल जाएगा। और वहीं पे बात करें हम प्लैटिना 110 के बारे में, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिज़ाइनिंग हमें देखने मिलती है प्लैटिना 110 में, उस कुछ ऐसी देखने मिलती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप 110 देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट डिफरेंस की बात की जाए तो भाई यहाँ पर इंजन में हमें डिफरेंस देखने मिलता है। तो 100cc की जो बाइक है इसका जो एक्चुअल में पावर आउटपुट देखने को मिलता है वो 7.9 BHP के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लैटिना 110 है उसका कुछ 8.5 या 8.6 BHP के आसपास पावर एक्चुअल में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफाइनमेंट की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा 100cc ज़्यादा रिफाइंड लगा एज़ कम्पेयर टू द BS6। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है ये जो है 100cc। एंड वहीं पे अगर हम कंपेयर करने जाते हैं प्लैटिना की 110cc, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुझे रिफाइनमेंट नहीं देखने को मिली, मीन्स ज़्यादा स्मूथर इंजन आपको देखने को मिलता है 100cc में। बट यहाँ पे आपको बता दूँ जो कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा बेटर आपको 100cc में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो रिफाइनमेंट है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिला एंड जो 110 है उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे देखने को मिला है। और नेक्स्ट चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं देखने को मिलते, नॉर्मल टायर देखने को मिलते हैं JK टायर की तरफ से। और वहीं पे अगर हम बात करें प्लैटिना 110 की, तो यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता है C8 का टायर। टायर के MM दोनों सेम टू सेम ही हैं, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर देखें तो इस भाई इसकी कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसके कंपैरिजन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद भी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखो मिल जाता है, बट ये इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ नेक्स्ट डिफरेंस की, तो यहाँ पे वो जो बाइक है सामने वाली 100cc, इसमें आपको 4 गियर देखो मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर प्लैटिना एच गियर की, तो इसमें 5 गियर देखो मिल जाते हैं। जो पहले एच गियर लिखा हुआ आता था वो हट चुका है, अभी वो नहीं देखने मिलता। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे गियर दिख जाएगा, जो कि है पहला न्यूट्रल है और बाकी सब गियर आपको आगे शिफ्ट करना है, मीन्स डाउन शिफ्ट करना है, तो आपको 5 गियर देखने मिल जाता है। और नेक्स्ट चेंजेस की बात की जाए तो भाई अगर आप प्लैटिना 100cc को देख रहे हैं तो उसकी जो सीट देखने मिलती है इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर हार्ड सीट देखने मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम प्लैटिना जो आती है 110cc इसको देखेंगे तो इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा बेटर है, मीन्स सीट कुशनिंग ज़्यादा बेटर है, मीन्स आपको कंफर्टेबल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर क्या आपको प्लैटिना लेना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा बाइक चूज़ करना चाहिए। तो भाई अगर रिफाइनमेंट के बात की जाए तो भाई इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी रिफाइंड बहुत ज़्यादा अलग है उसके कंपेरिजन में। अगर आप हाईवे राइड करते हैं, सिटी में चलाते हैं, तो एच गियर आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि 5वां गियर आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे प्लैटिना जो 100cc आती है, अगर आप सिटी में राइड करते हैं, हाईवे पे राइड ज़्यादा नहीं करते, तो ये बाइक आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी।
वेट के बारे में बात करें तो वेट में ये 109 किलो के आसपास पड़ जाता है, वहीं पे उसकी बात करें तो वहाँ पे 118 किलो या 119 किलो के आसपास पड़ जाता है देखने को। मेरा यही कहना रहेगा अगर आप कंफर्टेबल के बारे में बात करें तो भाई ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे यही देखने मिली, हालांकि उसमें जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से कम्फर्ट लेवल उसका कम हो चुका है। एंड ज़्यादा कम्फर्टेबल के लिए वहाँ पर एंट्रॉक्स का सस्पेंशन भी देखने मिल जाता है आपको, जो कि इसमें नहीं है। तो भाई अगर आप हाईवे पे राइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा, अगर आप सिटी में राइड करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। एंटी स्कीड ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है मैं उसके बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे एंटी स्कीड जो ब्रेकिंग है कुछ ऐसी ब्रेकिंग काम करती है, अगर आप फ्रंट या रियर बैक ब्रेक को दबाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम पीछे की जो है वो आगे अमाउंट में लगती है। मीन्स अगर यहाँ पे कुछ 60% लग रहा है तो यहाँ पे 40% ब्रेकिंग लगेगा, या फिर वहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 30 लगेगा, तो दोनों में भी आपको वही देखने मिल जाता है। और यहाँ पे प्लैटिना को देखा जाए तो प्लैटिना का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइड है इसके कंपैरिजन में, जो इसका देखेंगे तो इसका हैंडल इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, इसका हैंडल थोड़ा वाइड है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट बाइक्स में जो आपको देखने मिलता है तो नकल गार्ड्स भी देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हम इंडिकेटर्स की तो इंडिकेटर को अगर ध्यान से देखें तो इंडिकेटर में डिज़ाइन कुछ ऐसा देखने मिल जाता है 110cc में। और यहाँ पे ग्राफिक्स में अगर देखा जाए तो मडगट पे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्राफिक्स और डिज़ाइन देखने मिल जाती है। और यहाँ पे अलॉय व्हील्स की अगर बात करें, अलॉय व्हील्स में आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं सिल्वर कलर के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 110cc में जो अलॉय व्हील्स आपको आते हैं वो थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्राफिक्स के साथ आता है, प्लस ब्लैक अलॉय व्हील्स आता है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। तो भाई मेरा कहना यही रहेगा कि आपका अगर बजट है अराउंड 80,000 के आसपास तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप 75 तक सोच रहे हैं, 75-76 के आसपास, दिस कुड बी द फार बेटर। अगर आप सिटी में राइड करते हैं ये भी बेटर है, वो भी बेटर है। बट अगर यहाँ पे माइलेज की बात करें की जाए तो यहाँ पे माइलेज ये ज़्यादा आपको देखेगी, क्योंकि यहाँ पे 100cc है और वो 110cc है। मीन्स वहाँ पे पांचवा गियर जब लगेगा तब वो माइलेज ज़्यादा बेटर देगी, अदरवाइज ये माइलेज में तो आप जानते हैं माइलेज में ये बाप है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा कहना यही रहेगा अगर आप कम्फर्टेबल के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी चूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो सीट कुशनिंग है ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। पे एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देते हैं कैसी एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पे 110cc में, जो 100cc है उसमें कैसे देखने मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं तो एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं कैसी एग्जॉस्ट देखने मिलती है प्लैटिना 100cc बाइक में। यहीं पे बात करें हम यहाँ पे प्लैटिना 110 की तो इसका एग्जॉस्ट साउंड कुछ ऐसा देखने मिलता है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एंड एग्जॉस्ट साउंड को सुनाते हैं। तो एग्जॉस्ट साउंड जो आपको 110cc की मिलती है वो थोड़ी सी लाउड देखने मिलती है एज कम्पेयर टू द प्लैटिना 100cc की। तो यहाँ पे गाइस मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप बजाज की गाड़ी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप जेम्स बजाज में आ सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।